यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अते प्रभु दा बपतिस्मा बाप तीसरा उन्हीं दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आन के यहूदिया दे उजाड़ विच प्रचार करते हुए कहन लगा तौबा करो क्यों जे सुरग दा राज नेड़े आया है कि ओ एहो जहे दे विखे ईसाया नबी दी जबानी आख्या गया सी भाई उजाड़ विच इक होका देने वाले दी आवाज भाई प्रभु दे रस्ते नूं तैयार करो ओ दे राहां नूं सिद्ध करो इस यूहन्ना दे बस्तर ऊठ दे वालां दे सन अते चम दी पेटी ओदे लक दे दुआले सी अते ओदा भोजन टिड्डियां अते बण दा शहद सी। तद यरूशलम अते सारे यहूदिया अते यरदन दे सब लाम छाम दे रहन वाले ओदे कोल चले आउंदे सन अते आपो अपने पापा नूं मन के यरदन विच ओदे हत्थों बपतिस्मा लैंदे सन। पर जां उन्हें वेख्या जो फरीसियां अते सदूकियां विचों बथेरे में तो बपतिस्मा लैण नूं आउंदे हन तां उन्हां नूं कहा कि सप्पां दे बच्चो तुहानूं आउण वाले कोप तों भजणा किन दस्या सो तुसीं तौबा योग फल दिओ अते अपने मन विच इस गल दे कहन दी सोच ना करो कि अब्राहम साडा पिता है क्यों जो मैं तुहानूं आखदा हां भाई परमेश्वर अब्राहम दे लई इन्हां पत्थरां विचों बालक पैदा कर सकदा है अते बिरछां दी जड़ उत्ते हुण कुहाड़ा रख्या होया है सो हर एक बिरच जेड़ा अच्छा फल नहीं दिंदा वड्या अते अग विच छुट्टिया जांदा है। मैं तां तुहानूं तौबा लई पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां पर जेड़ा मेरे पिछों आउण वाला है ओह मेथों बलवंत है अते मैं ओदी जुत्ती चक्कण दे योग नहीं हां ओह तुहानूं पवित्र आत्मा अते अग नाल बपतिस्मा दिओ ओदी तुंगली दे हाथ विच है अते ओ अपने पेड़ नूं चंगी तरह साफ करू अते अपनी कणक नूं कोठे विच जमा करू पर तूड़ी नूं उस अगन विच साड़ेगा जेड़ी बुझण वाली नहीं। तद येसु गलील दे यरदन दे कंडे उना कोल उस दे हत्थों बपतिस्मा लैण नू आया पर यूहन्ना ने यह कह के उस नू रोकया भाई मैनू तां तेतों बपतिस्मा लैण दी लोड़ है अते तू मेरे कोल आया है पर येसु ने उस नू उत्तर दिता हुण होण दे क्योंकि सानू जोग है जो सारे धर्म नू इसे तरह पूरा करिए। ता उसने होन दिता अते जां येसु बपतिस्मा लै चुक्या तां चट पानी तों उपर आया अते वेखो आकाश ओदे लई खुल गया अते ओने परमेश्वर दा आत्मा कबूतर वांग उतरदा अते अपने उत्ते आउंदा डिठा और वेखो एक स्वर्गी बाणी आई कि ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तों मैं प्रसन्न हां। मती दी अंजील बाप चौथा प्रभु दा परताया जाना अते सेवा दा आरंभ। तद येसु आत्मा दी अगवाई नाल उजाड़ विच गया भाई शैतान कोलों परताया जावे अते जां 40 दिन अते 40 रात वर्त रख्या तां उड़को नूं भुख लगी। तद परताउण वाले ने कोल आण के ओनू कहा जो तू परमेश्वर दा पुत्र है तां कह जे ए पत्थर रोटियां बन जाण
पर उन्हें उत्तर दिता, लिखा है, भाई इंसान निरी रोटी नाल ही जिंदा नहीं रहेगा, पर हर एक वाक नाल जेड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है। फिर शैतान ओनू पवित्र शहर विच नाल लै गया अते हैकल दे किंगरे उत्ते खड़ा करके ओनू कहा, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तो अपने आप नू हेठां डेग दियो, क्यों जो लिखा है कि ओ अपने दूतां नू तेरे लई हुक्म देवेगा, ओ तेनू हत्थां उत्ते चुक लैणगे, मते पत्थर नाल तेरे पैर नू सट लगे। यीशु ने उसनू आख्या, ए भी लिखा है, जे तू प्रभु अपने परमेश्वर नू ना परत फिर शैतान ओनू एक वड्डे उच्चे पहाड़ उत्ते नाल लै गया अते जगत दियां सारियां पातशाहियां अते उन्हां दा जलौ ओनू विखाया अते ओनू कहा, जे तू न्यो के मैनू मत्था टेके तां ए सब कुछ मैं तैनू दे देंगा। तदों यीशु ने उसनू कहा, हे शैतान चलिया जा, क्यों जो लिखा है, भई तू प्रभु अपने परमेश्वर नू मत्था टेक अते उस कल्ले दी उपासना कर। ता शैतान ओनू छड गया अते वेखो दूत कोल आन के ओदी टहल करन लगा, जां ओने सुनिया कि यूहन्ना फड़िया गया है ता ओ गलील नू तुर पिया अते नासरत नू छड के कफरनहूम विच जा रहा, जेड़ा झील दे कंडे जबुलून अते नफ्थाली दे बन्या विच है। टू फुलफिल व्हाट वाज सेड थ्रू द प्रोफेट आइज़ाया, भाई यशाया नबी दा वाक पूरा होवे कि जबलून दी धरती अते नफ्ताली दी धरती, समुंदर दी राह यरदनों पार, पराईयां कौमां दी गलील, जेड़े लोग अनेरे विच बैठे हुए सन उन्हां ने वड्डा चानण वेख्या अते जेड़े मौत दे देश अते छाया विच बैठे सन उन्हां लई चानण प्रकाश होया। उस वेल्यों यीशु प्रचार करन अते कहन लगा, भाई तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। गलील दी झील दे कंडे फिरदे होया उसने दो भरावां अर्थात शमाउन नू जेड़ा पतरस कहाउंदा है अते ओदे भरा अंद्रयास नू झील विच जाल पाउंदियां दिठा, क्यों जो ओ माछी सन। अते उन्हां नू कहा, मेरे मगर आओ ता मैं तुहानू मनुखां दे शिकारी बनावांगा। अते ओ चट जाला नू छड के ओदे मगर हो तुरे। और उत्थों अगे वध के उन्हें होर दो भरावां अर्थात जब्दी दे पुत्र यकूब नू अते ओदे भाई यूहन्ना नू वेख्या, जेड़े अपने प्यो दे नाल बेड़ी उत्ते अपने जाला नू सुधारदे सन। और उन्हां नू सद्या तां ओ चट बेड़ी नू अते अपने प्यो नू छड के ओदे मगर हो तुरे।
ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਦਿਕਾਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।